लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये सारी कहानी सुनने के बाद इन्होंने लॉज बना दिए। ये कहते हैं देखो बात ऐसी है, अब सारा इतना हिस्ट्री आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, चार बातें याद रख लो बस जितना भी हमने काम किया। क्या? पहला, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव थ्रेशोल्ड। तो अगर आपकी फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो दो बातें बता गए कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बड़ी है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, और जितना ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे, करंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो इंटेंसिटी सिर्फ करंट पे डिपेंडेंट है। तो वो यही कह रहा है कि जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो पहला लॉ उन्होंने बना दिया कि नंबर ऑफ फोटोन गिरने से करंट को बढ़ाया जा सकता है, पहला रूल क्लियर हो गया। फिर दूसरा रूल उन्होंने ये बना दिया, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मेटल देयर एग्जिस्ट अ सर्टन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। भाई किसी भी फोटो सेंसिटिव मेटल के लिए एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए बिलो विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड होगा, आर नॉट एमिटेड, जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। तो यानी कि उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये दूसरा रूल उन्होंने बनाया। तीसरा लॉ बनाया अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा बाहर, द स्टॉपिंग पोटेंशियल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कि अगर आप फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, क्योंकि फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब फोटोन की एनर्जी का बढ़ना, और फोटोन की फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। इसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये तीसरा पॉइंट उन्होंने बनाया इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। और लास्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। मतलब जैसी फोटोन टक्कर खाता है इलेक्ट्रॉन से, विद इन नो टाइम इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, यानी कि 10^-9 सेकेंड ना मात्र टाइम है, इंस्टेंटेनियस है, उसी टाइम इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, डिले नहीं है इसमें। चार बातें उन्होंने कहा याद रखना, ये लॉज हैं जो उन्होंने बताई।